नमस्कार। नकारात्मक भाव हमें अपने में घेर लेते हैं और हम में उस समय सोचने की ताकत नहीं रह जाती। हम नकारात्मक विचारों को ही सच मान लेते हैं और इससे भावों को ऊर्जा मिलती है और वो अधिक तीव्र हो जाते हैं। आवश्यक है ऐसे में कि हम भावों में घिरने से खुद को रोकें और उनके कारण जो हानिकारक व्यवहार और विचार होते हैं उनसे बचें। नकारात्मक भाव और विचार बहुत देर तक मन में बने रह जाते हैं और हम कई प्रकार से इन्हें बढ़ावा देते हैं। माइंडफुलनेस हमें भावों की नकारात्मकता को कम करने में सहायक होता है। इससे हम भावों से एक दूरी बना पाते हैं और उनके प्रभाव को रोक पाते हैं। आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं। अक्सर यह तब करें जब आप बहुत भावुक महसूस करते हों। जब भी आपको नकारात्मक भाव मन में पकड़े, उन पर ध्यान बनाएं। उनसे बचने का उपाय मत करें। उन्हें दबाने का या अधूरा छोड़ने का प्रयास मत करें। इन्हें बस ऑब्जर्व करें और जैसी हैं वैसा अनुभव करने का प्रयास करें। इनके साथ हो रही शरीर में संवेदनाओं पर भी ध्यान दें। मन और शरीर में भावों पर ध्यान दें खुले रूप से। एक उत्सुकता के साथ देखें ये कैसे मन में क्रियाशील हो रही हैं, यह जानने की कोशिश करें। यह जैसी मन में उठती हैं उन्हें वैसा ही देखें। इन्हें फॉलो करें। अब इन भावों को कोई लेबल दें, मतलब नाम दें, जैसे क्रोध, उदासी या बेचैनी या घबराहट। ऐसा करने से आप इन्हें केवल एक भाव के रूप में देख पाते हैं और इनसे जो लगाव है वह मन पर हावी नहीं हो पाता। इनमें उलझ नहीं पाते, पर अक्सर इनमें आप खुद को घिरता पाएंगे और बहुत मुश्किल होगा कि आप इन्हें बिना किसी विचार के ध्यान दे पाएं। पर इसके लिए आप सांसों का प्रयोग करें। जैसे ही भाव बहुत तीव्र हों और आप खुद को बहुत उत्तेजित होता हुआ देखें, तो एक विराम लें उनसे और अपना ध्यान सांसों पर ले आएं। सांसों के आने जाने को देखें ध्यान से। खुद को थोड़ा रिलैक्स करें इससे और पुनः भावों पर ध्यान बनाएं। फिर इस प्रकार आप अपने को संभाल सकते हैं बहुत उत्तेजित पलों में। बहुत शीघ्र आपके भाव शांत नहीं होंगे, इसलिए आपका मन बार बार उनमें उलझता रहेगा और आप अपनी सोच में खो जाएंगे। इसलिए खुद को यह याद दिलाते रहना पड़ेगा कि आपको एक दूरी बनानी है भावों और विचारों से, इस तरह जैसे आप बस उन्हें आता और जाता देख रहे हैं। इन भावों को परमानेंट ना माने, यह देखें कि ये आते और जाते रहते हैं। अगर आप इन्हें बहुत अधिक गंभीरता से लेंगे तो ये तीव्रता में बढ़ जाएंगे और आप बहुत तनाव में आ जाएंगे। इसलिए ऐसा देखना है कि ये केवल भाव हैं और टेम्परेरी हैं। यह तभी तक रहेंगे जब तक आप इन्हें संपूर्णता से नहीं देख लेते। भावों को हम पकड़ के इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उनसे प्रभावित हो रहे होते हैं और उनको सच मान लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो मन में चल रहा है वह वास्तविकता में है, पर ऐसा होता नहीं है। सच यह है कि यह केवल मन में घटित हो रहा है, लेकिन यह हम नहीं देख पाते। तो आप ऐसे में ध्यान दें भावों पर कि ये बस मन में है और आप उन्हें महसूस कर रहे हैं। उन्हें बस एक भाव की तरह देखें, एक वास्तविकता की तरह नहीं। उनसे जो विचार संबंधित हैं उन्हें देखें। केवल देखें कि किस प्रकार किसी विचार से कोई भाव प्रभावित होता है। सही या गलत का फैसला नहीं लें। विचारों के साथ भावों में जो बदलाव आए उन्हें देखें। भावों को देखते समय अपने को कहें कि आप किस भाव में हैं। यह भाव जैसे हैं उन्हें वैसा स्वीकार करें। उन्हें होने दें। अगर वे बहुत तीव्र भी हों तो भी उन्हें बस देखें। अपने मन में एक साक्षी भाव बनाएं। जितना हो सके उतना आपके मन में हो रही गतिविधियां आप बस देखें। कई बार आप उन पर ध्यान बनाना भूल जाएंगे, पर खुद को याद दिलाएं। हर बार यह एहसास मन में लाएं कि आप उन्हें घटता हुआ देख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि आप अभी भावुक हैं। भावों के साथ ही जो भी शरीर में संवेदनाएं महसूस हों उन्हें भी देखें, उन पर भी ध्यान बनाएं। जो भी संबंध दिखाई दे विचारों, भावों और संवेदनाओं में, उन पर ध्यान बनाएं। बस यह कहें मन में कि आपको इन पर बस ध्यान देना है।
जो जैसा है वह देखना है और जानना है कि आप इन भावों को इनके इसी स्वरूप में स्वीकार करते हैं। यह भाव जब भी घटें वे किसी विशेष रूप में घट रहे हैं, सो ऐसे ही उन्हें जानना है। एक उत्सुकता बनाए रखें जरूर। यह देखें कि ये भाव कब, कैसे और क्यों उत्पन्न होते हैं, किन विचारों से इन्हें कैसे बढ़ावा मिलता है, इनका स्वरूप कैसे बदलता है, क्योंकि यह आप में जानने की और ध्यान देने की इच्छा को बनाए रखेगी, यह उत्सुकता। इसी से आप इन भावों के प्रति माइंडफुल हो पाएंगे। जितना आप इस प्रकार भावों को ध्यान देंगे, शुरू में तो तकलीफ होगी क्योंकि आपका मन इनसे दूर भागने को कहेगा, पर थोड़े समय पश्चात आप अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि आपने इनका संपूर्णता से सामना किया और स्वीकार किया। अब कुछ लंबी सांसें लें। सांसों के बाहर जाने से शरीर में तनाव मुक्त होता हुआ देखें। शरीर पर ध्यान बनाएं और संवेदनाओं को महसूस करें। सांस छोड़ने के साथ शरीर को रिलैक्स होता हुआ पाएं। मांसपेशियां ढीली कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब सांसें धीमी कर दें, नॉर्मल करें, उन्हें अपने गति से चलने दें। सांसों के छोड़ने से ऐसा देखें कि आपने जो फेफड़ों में हवा भरी थी उसे जब बाहर निकालते हैं तो एक छाती में भारीपन कम होता है। सांस भरने के बाद फेफड़े उन्हें पकड़ के रखते हैं, पर सांस छोड़ते ही वे इस पकड़ को छोड़ देते हैं। इसी तरह सांसों को जानें कि वे जब बाहर निकलती हैं नाक या मुंह से तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ छूटा हो जो पकड़ा हुआ था। इसी तरह तनाव मुक्त भी महसूस करते हैं सांसों के छोड़ने से। इसी प्रकार जो भी जकड़ा हुआ है शरीर या मन में वह सांसों की तरह रिलीज किया जा सकता है। इन भावों को भी अब ऐसा देखें। मन में भावों को चलता करें, उनसे जुड़े विचारों को चलता करें, वे आए तो उन्हें जाने दें, पकड़ के ना रखें, उन पर ध्यान ना दें, थोड़ा उत्सुकता से देखें उन्हें और फिर जाने दें। मन कहेगा कि उन पर ध्यान देना है, सोचना है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं, पर ऐसा ना करें, मन की ना सुने, क्योंकि वो आदत से ऐसा कह रहा है करने को। आप अपने हिसाब से मन को निर्देश दें और विचारों पर अधिक देर तक ध्यान ना बनाएं। सांस छोड़ने के साथ उन्हें भी जाने दें और ध्यान बस विचारों के आने जाने पर लगाए रखें। ये बस विचार हैं, वे बस भाव हैं, उन्हें होने दें जैसे हो रहे हैं। अब यह एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। इसे निरंतर करें क्योंकि इसका अभ्यास करने से ही इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।